हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको जो है यूएसए से भर के ट्रैफिक आने वाला है। ओके, अगर आप गूगल वेब स्टोरीज बनाते हो तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। ओके, क्योंकि इस ट्रिक से आप जो है गूगल वेब स्टोरी पे भर के ट्रैफिक ला सकते हैं, लाखों में ट्रैफिक ला सकते हैं, उसी के साथ साथ आप जो है लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। आपको पता है अगर यूएसए से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है तो आपको दिन के नए कुछ $100 आराम से बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यूएसए में जो है सीपीसी ज़्यादा होता है। तो यूएसए से आप किस तरह से ट्रैफिक ला सकते हैं आपके ब्लॉग के ऊपर, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को आजकल ये लग रहा है कि वेब स्टोर में बहुत सारा कंपटीशन हो चुका है तो कुछ लोगों को व्यूज नहीं आ रहे। ओके, व्यूज नहीं आ रहे ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे जो है बहुत सारे अर्निंग हो रही है, बहुत सारे पैसे लोग कमा रहे हैं। ओके, तो इसका सोल्यूशन ये है कि बहुत सारे लोगों को जो है व्यू इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो जो है यूनिक कुछ नहीं कर रहे, यूनिक आर्टिकल नहीं लिख रहे, कुछ यूनिक तरीका नहीं आजमा रहे, इससे उनके वेब स्टोरी पर जो है व्यूज़ नहीं आ पा रहे। ओके, तो आज की वीडियो में आपको इस तरह से कुछ टॉपिक बताऊँगा, कुछ इस तरह से आपको रिसर्च करके बताऊँगा जिससे आप जो यूएसए के लिए ट्रैफिक बना सकते हैं, उसी के साथ साथ आप जो है यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं, उसी के साथ साथ यूनिक टॉपिक सर्च कर सकते हैं। ओके, वेब स्टोरी में एक ही एक फैक्टर होता है कि आप जो है यूनिक टॉपिक पे जो है वेब स्टोरी बनाना है जिसका कंपटीशन नहीं है। ओके, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो गूगल आपकी जो वेब स्टोरीज है 100% जो है आपको डिस्कवर फीड में जाएगी, और डिस्कवर फीड में जाएगी तो आपका जो है आर्टिकल या वेब स्टोरी जो है वायरल हो ही जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही जो लेजेंड तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको जो है बहुत सारी अर्निंग होने वाली है, और आपका जो भी आर्टिकल होगा वो जो डिस्कवर में जाएगा, और डिस्कवर में जाएगा तो डेफिनेटली आपका जो पोस्ट है या फिर आपकी जो वेब स्टोरीज है वायरल होगी और आपको जो है लाखों करोड़ रुपये आप कमा सकते हो। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते देरी ना करते हुए। ओके, उसी के साथ साथ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, ऐसे यूज़फुल वीडियो के लिए। ओके, हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ एक्चुअल ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा जाना है गूगल पर और सर्च कर देना है बिंग्स। ओके, सिंपल सा आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप बिंग सर्च करते हो और बिंग से यहाँ पर आ जाते हो उसके होम पेज पे। ओके, तो मैं आपको इसकी जो ट्रैफिक बता देता हूँ, इस पर जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है यूएसए से आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 बिलियन ट्रैफिक है ओनली। आप देखोगे यहाँ पर नीचे आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे यूनाइटेड स्टेट से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ओके, तो इस तरह से इसका अगर आप यूज़ करोगे तो आपको जो ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाली है। ओके, यहाँ पर कुछ सर्च करते हो या फिर यहाँ से कुछ उठाते हो तो आपको जो है ज़्यादा ट्रेंडिंग में या फिर ज़्यादा आपके चांसेस है डिस्कवर में जाने के लिए। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करना होती है। अगर आपको यूएसए से भर के ट्रैफिक लाना है या फिर वेब स्टोरी में अगर आपको ट्रैफिक लाना है तो यहाँ पर आपको सेटिंग करना पड़ेगी। अगर आप इंडिया से तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर सब इंडिया की जो है पोस्ट दिखाई दे रही है, देखो इस तरह से। ओके, कुछ आपको इसके अंदर सेटिंग करना होती है जिससे आपको यहाँ पर टॉपिक फाइंड करने में मदद होगी। ओके, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको यहाँ पर 3 डॉट पे चले जाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेटिंग का। ओके, सबसे पहले आप अगर यहाँ देखो तो लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश इसे रहना। उसके बाद यहाँ पर कंट्री है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप नीचे आओगे। ओके, ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ से कंट्री का एक सेक्शन है। ओके, तो यहाँ से आपने जो है यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो आपको दिखेगा सब यूएसए के आपको जो है यहाँ पर आर्टिकल दिखाई देगी जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं या फिर जो भी न्यूज़ में है। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे आपने यूएसए पे क्लिक किया उसकी जो स्टेट है यूएसए के, सब आपको जो यूएसए के अंदर का दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अंदर और आपको डीप में जाना हो तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपने जाना है इस 3 बार पर, यहाँ पर आपने जो है सेटिंग पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद अगर आप ये नीचे देखो लोकेशन का ऑप्शन है, सिंपल सा इस पर आपने क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही करोगे तो आप यहाँ पर देखो ये जो है सिटी कोड ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपने जो है कोई अमेरिका या फिर यूएस का जो है पिन कोड या सिटी कोड डालना है, जैसे कि हम सेटिंग में डालते हो शिकागो। ओके, जैसे आप शिकागो डालते हो, अगर आपके यहाँ पर शिकागो नहीं पता पिन कोड, आप सिंपल सा आपने जाना है गूगल पे। ओके, यहाँ पर आपने लिख देना है शिकागो पिन कोड, ऐसा कुछ तो अपन अगर डालते हो इस तरह से आपको कुछ पिन कोड यहाँ से मिल जाएगा। ओके, आप ये शिकागो पिन कोड पे क्लिक करना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ कोड मिलेगी। ओके, आपने वो उसे उठाना है और वहाँ पे डाल देना है। आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आपको मिलेगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो शिकागो वांटेड येलो आईपी। ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरह से शिकागो एलपीजी स्टेट।
ओके, तो चलो मैं एक पहला वाला यहाँ पर जो है कर लेता हूँ। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से आपको सबसे पहले इस पे डाल देना है। ओके, उसके आगे आपको लिख देना है जो उसका कोड है शिकागो LL2। ओके, तो इस तरह से आपको इसके आगे रख देना है। ओके, अब आपका जो है कोड बन चुका है पिन कोड। ओके, इस तरह से इसे कॉपी करना है। ओके, फिर से आने आपने सेटिंग के अंदर यहाँ पर और आपने इसे पेस्ट कर देना है। ओके, अब देखोगे तो आपका जो है बहुत ही आसानी से आपने जो लोकल एरिया, जो भी वहाँ का लोकल एरिया है USA का, उसके अंदर आपने टारगेट कर लिया है। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, फिर से जाना है इसके ऊपर सेटिंग ने आपने जो क्लोज कर देना है, फिर से इस पर जाना है, आपने बिंग के ऊपर। ओके, या सेटिंग होने के बाद फिर से आना आपने बिंग के ऊपर। ओके, इसे एक बार रिफ्रेश कर देना है। ओके, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो सब आपको USA की जो है न्यूज़ दिखा दे रहे हैं। ओके, आप देख सकते हो सब USA की न्यूज़ है। ओके, इसके अंदर जो भी अगर आपको ऊपर एड्स में बता रहा है, यहाँ पर कुछ ऐड आपको दिखा रहा है, तो वो ऐड आपने नहीं लेना है। ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी जो भी टॉपिक है, जो भी ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो आपने उससे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको कुछ ट्रेंडिंग में दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक ये ऐड है। ओके, इसे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से। ओके, तो आपने क्या करना है, इसी टॉपिक पे आपने जो है पोस्ट लिखनी है, फिर वेब स्टोरीज बनानी है। ओके, या फिर आपने न्यू आर्टिकल्स तैयार करना है। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको दिखा दिया है कि किस तरह से आप आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जो आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो मैं ओवरऑल थोड़ा सा आपको एक व्यू बता दूँ, आपने करने का इस टॉपिक को सिंपल सा इस तरह से उठा लेना है, या फिर आप नोट पैड में जाओगे इस तरह से। ओके, आपको सिंपल सा नोट पैड ओपन करना है। ओके, मैं नोट पैड ओपन करके दिखा देता हूँ आपको करना क्या होता है। फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है यहाँ से सबसे पहले आपने टाइटल उठाना है। ओके, टाइटल उठाने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी उसकी लाइन से यहाँ पर इस तरह से इसे आपने कॉपी करना है। ओके, इसे कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने इस तरह से इसे डाल देना है। ओके, ऐसा आपने पूरा जितना भी कंटेंट है सब कॉपी कर लेना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है आपने जीमेल पे। ओके, जीमेल पे जाने के बाद यहाँ से आपने जो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, पूरा मैं यहाँ से आपको शॉर्टकट बता दूँ क्या करना है आपको। सिंपल सा आपने यहाँ से गूगल डॉक्स ओपन कर लेना है, उसमें से न्यू ओपन कर लेना है। ओके, इस तरह से। ओके, इससे पहले आपने क्या करना है, इससे पहले आपने जो गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। ओके, इसके अंदर आपने क्या करना है, अपना पूरा जो आर्टिकल है इस तरह से यहाँ पर डाल देना है। ओके, यहाँ से सबसे पहले आपने जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लेना है आपकी इंग्लिश वाली। ओके, इंग्लिश के बाद यहाँ से आप हिंदी चाहो तो आपने हिंदी यहाँ पर डाल लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस आर्टिकल में है क्या, ओके, प्रॉपर है क्या। ओके, इस तरह से ये जो है डबल आया, इसे मैं निकाल देता हूँ इस तरह से। ओके, इस तरह से। ओके, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इस आर्टिकल में है क्या। डॉक्स पे, ओके, इस डॉक्स पे आने के बाद यहाँ से आपने जो है हिंदी सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। ओके, यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप जो भी भाषा में बोल रहे हो वहाँ पर आपने जो हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ से आता हूँ मैं हिंदी के पास यहाँ पर। ओके, हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो ट्रांसलेट हो चुका है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो दक्षिण कोरिया में सियोल भीड़ में बचने के वाला एक व्यक्ति जिसने 150 अंत में, इस तरह से इसका कुछ ट्रांसलेट हीडिंग है। ओके, तो आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है मैं आपको दिखा दूँ। आपने ये थोड़ा सा पढ़ लेना है क्या है, दक्षिण कोरिया के सियोल में भीड़ में बचने वाला एक आदमी जो बच गया है, उसने जो 150 लोगों की मार डाला, जिसने इस सप्ताह के अंत में 150 लोगों को मार डाला और कहा कि वो देख कर अभी। ओके, तो इसकी हीडिंग आपको बनाना है, आपको यहाँ पर लिखना है, में भीड़ बढ़ने के कारण 150 लोगों की जो मौत हो चुकी है। ओके, उसमें से एक आदमी जो बचा है उसने ये कहा है कि हफ्ते के अंत तक बहुत सारे लोग वहाँ से मारे जा चुके हैं। ओके, तो इस तरह से इसकी हेडिंग हो चुकी है। ओके, अब नीचे का देखोगे, अब नीचे कुछ इस तरह से है कि अधिकारी ने रविवार तक कहा कि सिरोल में नाइट के जिले में हैवन उत्सव में शनिवार को 153 लोग मारे गए, कम से कम 82 लोग घायल हुए, एक बड़ी भीड़ की एक गली पहुँच गई। ओके, इस तरह से यहाँ पर ट्रांसलेट हुआ है। तो ओके, तो आप यहाँ से आपको ट्रांसलेट करना है। ओके, रविवार को अधिकारी ने कहा कि शनिवार को जो सियाल में 153 लोग मारे जा चुके हैं और 82 लोग घायल हो चुके हैं, एक बड़ी सी गली में जो भीड़ है जा चुकी थी। ओके, उसके कारण लोग जो है एक दूसरे को ढकल रहे थे, वो एक में को ढकलने के कारण वो जो है चेंगरा चेंगरी में जो है लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं।
ओके, तो इस तरह से आपने ये आर्टिकल बना लिया है। ओके, तो आपने जो है, मैंने आपको सैम्पल सा थोड़ा सा बता दिया, आपने जो है पूरा आर्टिकल्स इस तरह से आपके भाषा में यहाँ पर लिखना है या फिर सिर्फ आपको बोलना है। ओके, यहाँ पर आप बोलते हो तो आपको क्या करना है, आगे आपको बता देता हूँ। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखना हो चुका है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने इसे किस तरह से कन्वर्ट करना है, फिर से आपने जाना है यहाँ पर टूल्स के अंदर। ओके, टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करना है। ओके, और यहाँ से आपने जो भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। ओके, तो यहाँ से आपने जो है इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद ट्रांसलेट कर देना, आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से आपका यूनिक हो चुका है। आउट ऑफ 15 पीपल्स हु हैव डीड इज और क्रॉसिंग इन द साउथ कोरिया सिरेलॉन मैन हु इज लेफ्ट सेड इज बाय द एंड ऑफ द वीक एंड लॉट ऑफ पीपल एक सेड दैट 153 पीपल इन द सिरेलॉन सैटरडे हैव इन बाय किल 24 पीपल इन वेयर इंजेक्टिव हैव यू गॉन। इस तरह से आपने जो है आपको जो है यूनिक आर्टिकल आपने यहाँ से तैयार कर लिया। ओके, तो आपने पूरा आर्टिकल करना है, मैंने आपको सैंपल सा बताया, इस तरह से आपने जो उसे गूगल ड्रॉक में जाकर जो है कन्वर्ट कर लेना है इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपने जो है ये पूरा आर्टिकल्स बना लेना है। ओके, आर्टिकल बनाने के बाद आपने जो गूगल वेब स्टोरीज बनाए ये सब कुछ बनाना है। ओके, इस तरह से आपने करना है। ओके, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको जो है आसानी से जो है यूनिक आर्टिकल्स मिलेगा, या फिर आपने जो है किस तरह से ये करते हैं, किस तरह से आप जो आर्टिकल बनाते हैं यूनिक, उससे जो है आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ओके, आपके जो जो भी होगा वो जो है वेब स्टोरी जो है डिस्कॉर्ड में जा सकते हैं। ओके, आप गूगल पे आते हो, अगर आपने और आपको एक ट्रिक बता दो, आप क्या करना है, आपने आने गूगल पे। ओके, गूगल पे आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सिंपल सा है एक्सपेरिमेंट कर लेना है। ओके, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका जो भी मोबाइल है, जो भी आपको मोबाइल पसंद है, इस तरह से आपने डाल लेना है। ओके, यहाँ से आपने जो है 100% कर देना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है रिफ्रेश कर देना है। ओके, यहाँ से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से आपने अगर आपको टॉपिक या फिर और कुछ ढूंढना था, आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपने जो है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डालना है गूगल, यहाँ से आपने डालना है गूगल यूएस। ओके, यहाँ से आपने डालना है गूगल यूएस। ओके, सर्च कर देना है। ओके, गूगल यूएस सर्च करने के बाद यहाँ से आपको सिंपल सा पहले दिखाई देगा गूगल यूएस, इस पर आपने क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप गूगल यूएसए डालोगे तो ये जो है ब्राउज़र यूएसए का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी दिखाई देगा सब यूएसए का दिखाई देगा। आप देख सकते हो जो भी कुछ आर्टिकल दिखाई दे रही है सबको आपको जो है यूएसए के दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी इंडियन आपको जो आर्टिकल नहीं दिखा रहा है, ये जो ब्राउज़र ये पूरा जो है यूएसए का ब्राउज़र। यहाँ पर से आपने जो आइडिया ले सकते हो आपको कौन से टॉपिक पे बनाना है। ओके, यहाँ से भी आप जो जो भी टॉपिक लोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर क्लिक कर देना है, जो भी टॉपिक पे उसे कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको पूरा आपको बता दिया कि आप गूगल ट्रांसलेट में जाना है, यहाँ पर जो है पूरा कॉपी करना है, वहाँ से आपको जो है आइडिया लेना है, हिंदी में समझना है क्या है। उसके बाद आपने जो है गूगल डॉक्स में जाकर जो है आसानी से उसे बात कर कर या फिर ट्रांसलेट कर जो है अपनी भाषा में उसे बना लेना है। ओके, तो वो यूनिक भी हो जाएगा और जो है ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप जो है न्यू टॉपिक ढूंढ सकते हैं, उसे आर्टिकल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है आर्टिकल्स बना सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको जो भर के ट्रैफिक आ सकता है यूएसए से। ओके, तो इस तरह से ये ट्रिक थी, आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए तो आपने जो है सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।